मैं नरेश आंगड़ा आप सभी दोस्तों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैसी फर्गुसन 241 के गेयरबॉक्स का पार्ट 2। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, लास्ट तक देखोगे तो पूरी जानकारी मिलेगी। तो हमने आपको पार्ट 1 में दिखाया था कि इसके रिवर्स गियर के अंदर जो रोलर लगते हैं उनको कैसे लगाते हैं और रिवर्स गियर को गियरबॉक्स में कैसे फिटिंग करते हैं और मेन शाफ्ट में मेन शाफ्ट के गियरों को कैसे लगाते हैं और जो मेन शाफ्ट में जो लॉक लगते हैं और बैरिंग लगता है वो कैसे लगाए जाते हैं, इसके बारे में हमने पार्ट 1 में आपको जानकारी दी थी। तो दोस्तों आज हम पार्ट 2 में आपको जानकारी देंगे कि जो हम ये 10 नंबर के बोल्ट हैं इनको तार की मदद से कैसे लॉक करते हैं। तो जल्दी से हम इसके सभी बोल्टों को तार की मदद से लॉक कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने इसके सभी बोल्टों को तार की मदद से लॉक कर लिया है। अब हम आपको ये जो आगे प्लंजर लगते हैं इसको कैसे डालते हैं ये दिखाएंगे। ये दूसरे ट्रैक्टरों में तो बाल और स्प्रिंग लगते हैं, यहाँ पर ये प्लंजर और स्प्रिंग लगते हैं। तो हमने इनको चारों प्लंजरों को ऐसे बिठा लेना है और पेचकस की मदद से पूरा इनको अंदर कर देना है। इसके बाद में हमने इसके जो फोर्क राड के पीछे जो कट होते हैं ताकि डबल गियर ना हो उसके लिए एक रोलर और दो बाल लगानी पड़ती है। तो ये बाल हमने ग्रीस की मदद से ऐसे दोनों तरफ लगा लेनी है ताकि ये ग्रीस की मदद से चिपकी रहे और ये गिरे ना लगाते वक्त। तो सबसे पहले हमने ये सेकंड और थर्ड गियर के फोर्क राड होती है इसके अंदर ये रोलर लगा लेना है और इसके बाद में ये सेकंड और थर्ड की जो फोर्क शाफ्ट है उसके दोनों साइडों में ये बाल को रख लेना है। और ये जो दो पत्ती हैं ये बड़े वाली पत्ती हमने पीछे की तरफ ऐसे लगा लेनी है यहाँ पर, और इसके बाद में ये जो छोटी पत्ती है इसको हमने इस पत्ती के ऊपर रख लेना है और दोनों पत्तियों को इसके बीच में ऐसे कर ये 14 नंबर के बोल्ट और स्प्रिंग वार्सर हमने लगा लेनी है और इनको 14 नंबर के रिंग पाने से पूरा टाइट कर लेना है। तो हमने इसके दोनों बोल्टों को लगा लिया है, अब हम इनको दोनों बोल्टों को 14 नंबर के रिंग पाने से पूरा टाइट कर लेंगे। के रिंग पाने से हमने बोल्टों को टाइट करना शुरू कर दिया है और हम इन बोल्टों को पूरा टाइट कर लेंगे 14 नंबर के रिंग पाने से। तो हमने एक बोल्ट को टाइट कर दिया है और दूसरे को भी हम पूरा टाइट कर लेंगे इस तरीके से। तो हमने दोस्तों दोनों बोल्टों को पूरा टाइट कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो ये हाई लो असेंबली लगती है नीचे की तरफ इस हाई लो असेंबली को लगा लेंगे। तो ये हाई लो असेंबली में ये जो मोटे वाली प्लेट होती है इसको हम पहले इस तरीके से लगाएंगे और दोनों डावलों के अंदर ऐसे कर लेंगे इसको। इसके बाद में जो ये पतले वाली सीम होती है बारीक वाली इसको हमने इस तरीके से यहाँ पर लगा लेना है और ये इस तरीके से आसानी से डावल के अंदर डल जाएगी। अब हम गियर बॉक्स में ऐसे फिटिंग कर लेना है और इसके बाद में जो ये हाई लो असेंबली होती है इसमें तीन गियर लगे होते हैं इसको हमने लगाना है। ये ग्रीस की मदद से पहले सबसे पहले इस सिम को ऐसे यहाँ पर लगा लेना है ताकि ये गिरे ना ग्रीस, इसलिए लगाना पड़ता है। और इसके बाद में इसको ऐसे घुमाकर इसमें अंदर डाल लेना है और ग्रीस की मदद से इसमें जो इसके ऊपर ये दूसरी कॉपर की सिम लगती है इसको भी हमने ऐसे लगा लेना है। और इसके बाद में जो इसके ऊपर ये मोटी प्लेट होती है इसको रोकने के लिए हमने यहाँ पर लगा लेना है। ये इस प्लेट में 4 14 नंबर के बोल्ट और स्प्रिंग वार्सर हमने ऐसे लगा लेनी है और इसके सभी बोल्टों को
हम लगाने के बाद इनको भी 14 नंबर के रिंग पाने से टाइट कर लेंगे और इन बोल्टों को हम क्रॉस में टाइट करेंगे ताकि एक साइड से नहीं, इनको हमेशा क्रॉस में ही टाइट करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो हमारे और दोस्तों और किसान भाइयों में शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और दोस्तों हम रोज़ाना आपके लिए नए नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आते हैं और आते रहेंगे। तो दोस्तों हमारे इस नेक काम में हमारे साथी और सहभागी बने। और दोस्तों जिन दोस्तों ने भी हमारे चैनल नरेश जांगड़ा को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल नरेश जांगड़ा को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें और एक कमेंट करें। और दोस्तों हमने इसके सभी 14 नंबर के बोल्टों को रिंग पाने की मदद से टाइट कर लिया है। अब हम इसमें जो हाइलो का कपलर और फोर्क लगता है उसको लगाएंगे। इस तरीके से हमने पहले कपलर को और इस फोर्क को ऐसे डाल लेना है, इसको ऐसे इसका सुराख सीध में करके हमने इसका फोर्क का 10 नंबर का बोल्ट लगा लेना है। और इस बोल्ट को लगाने के बाद हम 10 नंबर के रिंग पाने से इसको भी पूरा टाइट कर लेंगे। तो दोस्तों हमने इसको 10 नंबर के रिंग पाने से पूरा टाइट कर लिया है और अब हमारा गियरबॉक्स फिटिंग हो चुका है। दोस्तों हम इसका टॉप कवर लगा लेते हैं और ये जॉइंट जोड़ लेते हैं। हमने इस ट्रैक्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है और हम आपको इसके गियरबॉक्स के पीछे वाले जॉइंट का और इसका टॉप कवर लगाते वक्त का वीडियो नहीं दिखा पाए क्योंकि काफ़ी अंधेरा हो चुका था और हमने ट्रैक्टर को कंप्लीट करना था और ओनर को यह ट्रैक्टर देना था, डिलीवरी करना था। तो हमने इस ट्रैक्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस ट्रैक्टर को ओनर को देंगे और ओनर खुद इस ट्रैक्टर की ट्राई लेगा। हमने इस ट्रैक्टर के ओनर ने इस ट्रैक्टर की ट्राई ली और यह ट्रैक्टर हमने किसान को डिलीवर कर दिया है और अब किसान इस ट्रैक्टर को लेकर जा रहा है। तो दोस्तों हम जल्दी आपके लिए नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। आपका दोस्त नरेश जांगड़ा, जय जवान जय किसान। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।